इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि देश की एकता और देश की अखंडता, देश की अभिरू, देश की छवि के लिए हर प्रकार की जो कुर्बानी है वो जरूर देनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार ने ऐसी कुर्बानियाँ दी जिसको हिंदुस्तानी पूरी दुनिया सलाम करता है, और उसी कुर्बानी को ध्यान में रखते हुए आज हमको शपथ लेनी है कि एक तो हम ये टेररिज्म है इसको ख़त्म किया जाए, दूसरा इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए हिंदुस्तान को दुनिया का मार्गदर्शन करना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं साफ तौर पे देख सकता हूँ आने वाले समय में हिंदुस्तान विश्वगुरु के रूप में उभरेगा, और आज वो समय आ गया है हमको विश्वगुरु के रूप में उभरना है। साथ ही साथ हमने ये यकीन करना है कि जो हमारा कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर करता है, आज हम सौगंध खाएँ कि इस कश्मीर को हम आज़ाद करा के रहेंगे और हिंदुस्तान को वैसे ही स्वर्ग बनाएंगे जैसे कि भगवान ने इसको बना के भेजा था। इसका कारण तो सब जानते हैं, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जिसके मदरसों में हर साल हज़ारों आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, और वो जो आतंकवादी बनते हैं उनका मुख्य मुद्दा है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करो, हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करो, हिंदुस्तान के युवकों को ड्रग्स के माध्यम से अफेक्ट करो, सारे बॉर्डर स्टेट्स के जो युवक हैं अफेक्ट हो चुके हैं, और पूरी दुनिया में मेहम और क्योस जो है ये पाकिस्तान के यहाँ से आतंकवादी हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और दुनिया में जहाँ जहाँ हो रहा है पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो जब तक हम इसको कुचलते नहीं तब तक ये आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। हमने बड़ी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अभी हमने पूरी दुनिया को एकजुट होकर उस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा करना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ कंडेमनेशन है जी। कोई फॉर्म एक्शन किसी ने लिए, ट्रंप ने कुछ खास तौर पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। शायद हमको मिलिट्री एक्शन या कुछ और कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने के लिए कि उसकी हिम्मत ही ना हो दुनिया भर में इस माफी की कार्रवाई करें। देखो आज के माहौल में लड़ाई कोई ऑप्शन नहीं है जी, खास करके जब वो देश भी एक न्यूक्लियर पावर है, बहुत बड़े पैमाने पर ह्यूमन काइंड को नुकसान हो सकता है। हमने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के टुकड़े करने बड़ी आसानी से, हमने कहा है केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं बलूचिस्तान और पीओके के लोगों को, इस मॉरल सपोर्ट के साथ साथ अभी समय आ गया है कि हम इकोनॉमिक सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, पोलिटिकल सपोर्ट दें और उनको हथियार भी दें। अगर हमने ये देना शुरू कर दिया तो अगले 2-3-4 साल में पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहेगा जिसको आज हम जानते हैं। हमारे सैनिक तो बड़ा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आवाम से यही कहूँगा कि किसी भी प्रकार से सैनिकों को पॉलिटिक्स में मत लाइए। जैसे आज सुबह करनी सेना ने कहा है कि सैनिकों को कि जो क्षत्रियाज हैं वो अपने अपने मेस में खाना बंद करें जब तक वो पद्मावत पिक्चर को बैन नहीं किया जाता। सबसे बड़ी ताकत जो हमारी सेनाओं की है वो अपोलिटिकल नेचर है जी जी जी, और अगर हमारा पब्लिक या हमारे अवाम या हमारे पॉलिटिशियंस अपनी आर्म फोर्सेस को पॉलिटिसाइज करना शुरू करें तो जो असली ताकत हिंदुस्तान की है वो हम खो बैठेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि पॉलिटिक्स से आर्म फोर्सेस को बड़ा दूर रखें। और दूसरा जो है, सबसे बड़ी ताकत हमारे देश की जो है कि 127 करोड़ लोग जो हैं वो वास्तव में अपने आर्म फोर्सेस की क्षमता को जानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन बॉर्डर्स के अलावा जब हमारे सिपाही घायल हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उनका तभी भी ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ सरकारें भी जो है स्टेट गवर्नमेंट भी केवल लिप सर्विस होती है, बड़ा कुछ प्रॉमिस करते हैं 10-15-20 दिन में सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसी को यकीन करना है, जो हमारे 127 करोड़ लोग हैं उन्होंने आवाज़ उठानी है कि उनको वो दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। आप देखो जो हमारे बाबू लोग हैं उन्होंने बड़ी चतुराई से थर्ड पे कमीशन के बाद आर्म फोर्सेस की छवि को, आर्म फोर्सेस की स्टेटस को, उनके रुतबे को डाउन करते जा रहे हैं जी, लेकिन इसके खिलाफ केवल आर्म फोर्सेस ही आवाज़ उठा रहे हैं, आवाम को क्या हो गया। जब तक आवाम जो है प्रेशराइज नहीं करेगा, सरकारें जो हैं बाबुओं के नीचे वही करती रहेंगी जो बाबूडम को अच्छा लगता है।